मुंडका विधानसभा के जीवपुरा गांव में। यह दिल्ली का सबसे पिछड़ा हुआ गांव है। यहां पर ना राशन की दुकान है, ना यहां पे डाकखाना है, ना यहां पोलिंग स्टेशन है, ना यहां डीटीसी की बस है, ना राशन की दुकान है। हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, जच्चा बच्चा केंद्र और दूसरी अन्य सुविधाएं तो हैं ही नहीं। यहां पर करीब 800 परिवार रहते हैं, 700-800 लोग रहते हैं और सब खेती किसानी करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि शेड्यूल कास्ट जाति के लोग ज्यादा रहते हैं। पूरे गांव में कुल दो सरकारी नौकरी हैं। पूरे गांव में कुल दो सरकारी नौकरी रिटायर हो गई, अभी दो भी ना रही और वो दो भी रिटायर हो गए, आप बता रहे हैं। ये है दिल्ली का गांव। कहां केजरीवाल का विकास है, कहां नरेंद्र मोदी का विकास है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। आज मैं आपके बीच में आया हूं, आपके कहने के बाद कि जो तीनों कृषि कानून किसान विरोधी हैं उनको लेके आप लोगों की पीड़ा थी। बार बार मुझे बुला रहे थे कि हम भी इस आंदोलन के साथ हैं। और कल मुंडका विधानसभा के निजामपुर गांव में एक महापंचायत, किसानों की महापंचायत होने जा रही है, जिसके अंदर पूरे दिल्ली देहात मुंडका विधानसभा के लोग समर्थन देंगे। सिंगू बॉर्डर पे और औचंदी बॉर्डर पे और टिकरी बॉर्डर पे जो किसान भाई हमारे बैठे हैं उनके साथ जाके। राम कुमार जी, हाँ जी, 24 आदमी मर चुके, हाँ। ये किसान अपना हक मांग रहे हैं। मोदी जी को दिक्कत यो होना, फिर मोदी तो अपने आप ने मोदी ये के समझे, उधर तो प्रजा के लोग, प्रजा मर रही है, उधर मोदी सो रहा है। डाडे का वो दे है बने, पहला तो डोड रखा था ई वो बाबा बने थे, बता प्रजा की क्यों नहीं सोचता। जैसा राजा है तो राजा को चाहिए प्रजा का दुख दर्द सोचना समझना। बिल्कुल ठीक कहा कि राजा को प्रजा का दुख महसूस करना चाहिए। दो दर्जन से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और देश का प्रधानमंत्री उनकी ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, और वो 2 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर बैठे हैं। आज 24वां दिन हो चुका है और देश के प्रधानमंत्री के पास समय नहीं है उनकी बात सुनने के लिए। बालकिशन जी, ये मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइस का कहना है कि हम दे देंगे, तो कानून बनाने में क्या दिक्कत है आपसे? देखो जी, जब किसानों के लिए कानून निकाल दिया और किसानों को कानून पसंद नहीं है, MSP है या मंडियां खुलेंगी या नहीं खुलेंगी, वो मंडियां खुली रहनी चाहिए और MSP है जो लागू कर दिया वो मिलना चाहिए। किसी भी भाई को, किसी भी किसान को, हमारे अन्नदाता को, किसी को नहीं मिल जाओ, जबकि मतलब किसान इतना परेशान है, उसकी फसल ऐसे जोत नहीं पड़ती है, उस फसल की कोई कीमत नहीं मिली। हमारे 2 दर्जन से ज़्यादा किसान भाई मर चुके हैं, उनका मोदी जी को कोई ख्याल नहीं है। मोदी और वहाँ बंगाल में जैसे उसमें तृणमूल कांग्रेस के साथ वह बोला, हमारे इतने मर गए और उनको तो शहीद बताते हैं उन लोगों को, और यहाँ जो किसान जो मर रहे हैं उनको कोई नहीं पूछ रहा। उनको भी तो शहीद का दर्जा देना चाहिए। जब
अपने आपसी रंजिश में बिल्कुल ठीक बात कही। दो दर्जन से ज्यादा आदमी मर चुके हैं, किसान मर चुके हैं, और उसके बाद भी मोदी जी बंगाल घूम रहे हैं, कहीं और घूम रहे हैं, लेकिन सिंगू बॉर्डर और औचंदी बॉर्डर, ठीकरी बॉर्डर पे, जो चिल्ला बॉर्डर पे किसान बैठे हैं, उनसे बात नहीं कर रहे। आपका क्या कहना, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये डॉक्टर साहब, हमारा तो कहना यही है, जब से ये बीजेपी आई है, इस बीजेपी ने सवाए इस देश को दुख तकलीफ देने के लिए अलावा और कुछ भी नहीं किया, और इसने सही माने में देश को बर्बाद कर दिया और देश को गरीबी रख दिया। रेल इन्होंने बेच दी, किसान बचे थे, किसानों को मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, ये तीनों कृषि कानून ये किसानों के हित में है क्या? ये तीनों कृषि कानून रद्द होने चाहिए जो किसानों के खिलाफ है। MSP कानून में अमेंडमेंट करनी चाहिए इन्होंने। लक्ष्मण रूप का भी इनका कोई विश्वास नहीं, ये जुमलेबाज आदमी है। ये बिल्कुल ठीक कहा कि देश की जनता जान चुकी है, 15 लाख रुपए उनके खाते में आने थे जो नहीं आए, इसलिए मोदी जी को आश्वासन नहीं, एक कानून बनाना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे एक बात और पूछना चाह रहा हूं, ये जो किसान बैठे हैं, ये किसान ठीक बैठे हैं, गलत बैठे हैं? बिल्कुल ठीक बैठेंगे, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, जिंदा रहने के लिए, उनके भविष्य को मद्देनजर रख के बिल्कुल ठीक बैठे हैं। बिल्कुल ठीक कहा, खेती किसानी है तो सब है, अगर खेती किसानी मर जाएगी तो सब मर जाएंगे। दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, इन तीनों के तीनों कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली देहात के गांवों में भी अब बहुत तेजी से आवाज उठने लगी है, और उसी को मद्देनजर रखते हुए कल 11 बजे निजामपुर गांव में किसानों का एक महासम्मेलन होने जा रहा है, महापंचायत होने जा रही है, और उसके अंदर ये फैसला लिया जाएगा कि जो देश का किसान तीनों कृषि कानूनों के विरोध में बैठा है, उनको क्या फैसला लेना है। आपने मुझे सुना, आपने मुझे लाइक किया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। साथ में आपसे निवेदन करता हूँ कि कल 11 बजे मुंडका विधानसभा के निजामपुर गांव में किसान महापंचायत में आप आमंत्रित हैं, आप आकर खुद देखिए कि दिल्ली देहात का किसान क्या कह रहा है और कल उनकी क्या पीड़ा है, आप खुद आके देखेंगे, खुद आके सुनेंगे तो और अच्छा लगेगा। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।